के न्यूज चैनल सच का साथ की खबर विदिशा मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर 11 सरकार बदलते ही होने लगा गौशाला निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। शासन के लाखों रुपए डकारने में लगे सरपंच सचिव। ये नियम आमतौर पर चलन में आ गया है कि पंचायतों में ठेकेदारी प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध है, परंतु ये केवल हाथी के दांत की तरह दिखाने के अलग और खाने के अलग की तरह है। आज भी धड़ल्ले से बेखौफ होकर ग्राम पंचायतों में सभी निर्माण कार्य ठेकेदारों को पेटी कॉन्ट्रैक्टर की तरह कमीशन बेस पर दिए जा रहे हैं। ऐसा ही मामला जनपद पंचायत ग्यारसपुर की ग्राम पंचायत नरवास के ग्राम केवटा में कांग्रेस की गाय को संरक्षण देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना गौशाला निर्माण में 38 लाख रुपए से निर्मित होने वाले गौशाला निर्माण का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज के लिए विदिशा से संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आप लोगों ने मुझे संज्ञान में लाया है कि कोयटा में जो गौशाला निर्माण हो रही है वो घटिया किस्म की हो रही है, साथ में वहाँ पे जो बताया आपने कि मजदूर भी बाहर गए, तो आपके द्वारा जो संज्ञान में मुझे लाया गया उस संबंध में हम जनपद के CO और उपेंद्र जी को तत्काल लेकर 3 सदस्य की कमेटी बना के जाँच करा दी है। जाँच के बाद जो परिणाम आएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। उसमें सर काफी घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, ये जांच रिपोर्ट आने पे ही स्पष्ट हो पाएगा। ये इंजीनियर ने मतलब मना भी कर दिया था कि आप ये सामग्री मतलब इसके बाद में ठेकेदार ने सामग्री का उपयोग किया। मेरे संज्ञान में नहीं है, जांच रिपोर्ट में जो तथ्य आएंगे उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। ये सर ठेकेदारी प्रथा का क्या होगा? ये मेरे संज्ञान में नहीं है, आपके द्वारा बताया गया कि ठेकेदारी है। जब तक जाँच की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम आपकी बात पर सत्यता पर विचार नहीं कर पाएंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन